संभाल के चौदह वर्ष का
अपने घर अयोध्या वापस लौटे होंगे। उनकी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया और पूरे शहर को रोशन किया। इस दिन लोग घरों की साफ सफाई करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, पकवान बनाते हैं और श्री गणेश जी एवं धन की देवी लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। बच्चे पटाखे चलाते हैं और खुशी मनाते हैं, परंतु आजकल बहुत तेज ध्वनि वाले पटाखे बाजार में मिलते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इन पटाखों से दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी इन पटाखों से दूर रहें और इनका उपयोग ना करें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, यह त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय का त्यौहार है। हम इस त्यौहार को बहुत हर्ष उल्लास और खुशी से मनाएं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और आप सभी को एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर हमारे विद्यालय के प्राचार्य फादर लॉरेंस जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वह आए और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप अपने मुखारविंद से कुछ शब्द समर्पित करें। शिक्षिका और शिक्षिकाओं और विद्यालय के समस्त परिवार के सदस्यों, खुशी का माहौल देखे हम लोग इस दीपावली त्यौहार को मनाते हैं। इसका अस्तित्व समझना चाहिए कि बाहरी आडंबर नहीं होना चाहिए, आंतरिक प्रसन्नता होना चाहिए। जब त्यौहार मनाते हैं, भगवान की कामना करते हैं और भगवान की आशीष मांगते हैं, मानते हैं कि हमारे आत्मा से, हमारे हृदय से, हमारे मन से अंधकार दूर हो जाए, बुरी आदतें दूरी हो जाए, बुरे विचार दूर हो जाए, सत्य और रोशनी हमारे दिल में, हमारे मन में आ जाए। इससे हमारा व्यवहार, हमारी कैरेक्टर अच्छी हो जाए। हम जिस व्यक्ति बोलते हैं प्रेम से और प्यार से बोले, है ना, शब्द जो इस्तेमाल करते हैं ना, शब्द बहुत खतरनाक होते हैं। कभी कभी एक शब्द से पूरा परिवार बिगड़ जाता है, जिंदगी बिगड़ जाती है। इसीलिए शब्द का प्रयोग ऐसे करना है कि मेल मिलाप शब्द हो। यही हमें बताता है यह त्यौहार कि अंधकार से काया रोशनी के हो ना, अंधकार से रोशनी के हो। जीवन में रोशनी लानी चाहिए। जब हम बल्ब जलाते हैं, दिया जलाते हैं, उसको नीचे नहीं रखते, कटिया के नीचे नहीं रखते ना, कहाँ रखते, ऊपर रखते ताकि सबको रोशनी हो जाए। सूरज चमकता पूरे संसार में रोशनी होती है। इसी प्रकार हम लोग को भी चमकना चाहिए सितारों जैसे। शब्द अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ताकि एक दूसरे से मेल मिलाप करके प्रेम और शांति से हम जिए। यही दीपावली का शुभ संदेश है। प्यारे बच्चों और विद्यालय के समस्त सदस्यों की अध्यापक दीपावली मनाते इसकी कल्पना करें कि हमारे जीवन कैसे सुलभ जाए और कैसे अच्छे बन जाए, एक दूसरे की मदद करें। खास करके इस समय में गरीबों की मदद करना चाहिए। आप लोग पटाखा चलाएंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, अच्छे अच्छे खाना वगैरह खाएंगे, अगर पड़ोसों के गरीब होंगे कुछ तो बचा के उनको दे दो, उनकी भी दीपावली खुशी से वो लोग मना सके। करेंगे आप लोग पक्का? ओके, मैं चूंगी मदर बेर आई विश यू और बिहाफ ऑफ मी आवर बिहाफ ऑफ विश यू एंड ऑल द फादर्स इसके से बनाए थे। आई है दिवाली, सुनो जी।